हेलो हाय हाय प्लीज अंदर आओ. सो वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो जो कि मेरा हाउस टूर वीडियो था. लॉट ऑफ यू गाइस वोटेड ऑन माय इंस्टाग्राम की हाउस टूर देखना है. तो लेट्स गो एंड डाइव इनटू दिस वीडियो. सो जो फर्स्ट रूम है ये बेसिकली एक स्पेयर रूम है जहाँ मेरे शूज होते हैं और यहाँ पे मेरी स्कूटी होती है. बट अनफॉर्चुनेटली अभी स्कूटी है नहीं हमारा. तो ये ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रूम नहीं है. लेट्स गो इनसाइड. सो वेलकम टू माय हाउस. दिस इज माय लिविंग रूम जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी फूड वीडियो दैट यू सी इज उसको वहाँ पे यहाँ पे शूट किया जाता है हमारा वीडियो. ये बेसिकली एक बेड है जिसको मैंने सोफे पे कन्वर्ट किया है एंड दिस बैकग्राउंड इज वेरी ब्यूटीफुल. तो मोस्टली सारा वीडियोस यहीं पे शूट होता है और क्योंकि बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो अच्छा दिखता है. तो जो हमारा नेक्स्ट रूम है वो एक्चुअली ये है. ये मेरी रूममेट्स का रूम था तो वो अभी है नहीं. बट दिस रूम इज क्वाइट मेसी और ये बहुत खाली एम्प्टी रूम है बिकॉज यहाँ पे कोई अभी है नहीं. मैं अभी अकेले हूँ तो ये रूम बहुत एम्प्टी है. सो लेट्स गो. Got to show you in the video. These are my freaking switches. It's so old, like it's so 90s. Nobody could even believe it. Like किसी के घर में भी अभी तक ये होगा नहीं. But yeah, your girl has it and it doesn't work. Obviously, this one's work. But yeah, sad life. To the another room. So अभी मैं अपना room दिखाऊंगी. Please don't judge. जहाँ पे हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं. बेसिकली हम अपना घर में कहीं नहीं जाते, हम यही रूम में बस रहते हैं. यही रूम में हम खाते हैं, यही रूम में हम सोते हैं, यहाँ से हम हिलते भी नहीं है. तो ये रूम बेसिकली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जब भी कोई आता है हम लोग लिविंग रूम के में बैठने के अलावा हम लोग यहीं पे बैठते हैं. हम लोग लिविंग रूम में नहीं बैठते हैं हर रोज. मेरे रूम में यहाँ पे कुछ सामान है जो कि पड़ा हुआ है. ये मेरा क्लोजेट है जो कि मैंने सजाया. इसे मैं दिखा रही हूँ तो मैं नहीं दिखाती. तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हैं. दैट्स इट, उतना ही मिलेगा देखने के लिए. वहाँ पे हाथ भी रखा हुआ था फॉर सम रीजन. और यहाँ पे है मेरा ऑलमोस्ट एवरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट आई यूज. फिर बहुत मिसलेनियस प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे. फिर इस शेल्फ पे अ फ्यू बुक्स दैट आई रीड. मेरे को मन करता है कभी कभी पढ़ने का तो बुक्स है एंड और कुछ नहीं है. तो मेरा इसमें से फेवरेट बुक अभी यही है जो फर्स्ट में रखा हुआ है बिकॉज अभी मैंने ज़्यादा कुछ बुक्स पढ़ी नहीं है. आई थिंक आई हैव रेड ऑलमोस्ट थ्री और फोर ऑफ देम. सो आई लाइक रीडिंग बुक्स एंड इफ यू ऑल्सो लाइक प्लीज कोई बुक सजेशन हो तो यू कैन कॉमेंट बिलो एंड टेल मी. तो अभी हम लोग नेक्स्ट रूम पे जाते हैं. लेट्स गो. तो नेक्स्ट है मेरा किचन जहाँ पे हम ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेरिमेंट करते हैं बिकॉज आई लाइक कुकिंग फूड. तो वेलकम टू माई किचन एरिया जहाँ पे यू हैव सीन अ फ्यू क्लिप्स ऑफ माई किचन ऑलरेडी. सो यहाँ पे देर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ. यहाँ पे इट्स लाइक अ पैंट्री और समथिंग जहाँ पे मेरे सारे सामान रहते हैं, ग्रॉसरी वगैरह. अभी कुछ बनाया नहीं है तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है बिकॉज वी डोंट वॉन्ट अ किचन टू लुक मेसी. और रोज को बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है. है ना रोज लग तो रहा है. तो लेट्स गो आगे. तो अभी हम लोग का घर इतना ही बड़ा है, मेरा इतना बड़ा घर नहीं है. और अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं. तो लेट्स गो. तो इधर
से थोड़ा सा मेसी हो जाता है घर, बिकॉज दिस इज नॉट द वेरी मेन पार्ट ऑफ द हाउस एंड नॉट एवरी वन कम्स हियर. तो दिस इज व्हाट लॉन्ड्री प्लेस, क्योंकि यहाँ पे मशीन है और यहाँ पे अभी जैसे बारिश का मौसम है तो सारे कपड़े यहीं पे काट दिए जाते हैं. तो बेसिकली दिस इज अ स्पेयर रूम. दिस इज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, प्लीज डरना मत, क्योंकि इसके बाद घर बहुत ही ज्यादा पुराना लगने लगता है. तो इधर कपड़े हैं, ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक यूट्यूबर, नॉट अ फेक वन, क्योंकि सब अपने कपड़े काटते हैं. और दिस पार्ट इज रियली स्कैरी बिकॉज दिस इज वेरी ओल्ड. दिस कब का घर होगा ये? 90s का घर है ये, तो बहुत ही पुराना है एंड दैट इज वाई इट्स अ बिट स्कैरी समटाइम्स. और स्पेशली जब आप अकेले ऐसे घर पे रहते हो देन इट्स वेरी स्कैरी, बट देन अंदर इट्स वेरी नाइस. बाहर में देयर इज अ वेरी बिट ऑफ प्रॉब्लम. तो मेरा घर का सबसे बेस्ट पार्ट है, जो किसी को नहीं पता है, वो है एक बहुत बड़ा सा बैकयार्ड जो कि बिल्कुल मेंटेन्ड नहीं है. बहुत ही ज़्यादा अभी बारिश के चक्कर में भीड़ हो गया, आई मीन जंगल बन गया जंगल बन गया है. तो हम और रोज अभी ट्राई करेंगे बाहर जाने का, है ना रोज? वी विल ट्राई बिकॉज वी वॉन्ट टू शो यू गाइज हाउ ग्रीन माई बैकयार्ड लुक्स. तो बहुत ज्यादा जंगल हो गया है, दिखाओ रोज. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से. दिस हैज बिकम अ मेस. सो इफ यू गाइज वांट टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर बैकयार्ड, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए. अभी बारिश का मौसम है तो ऑब्वियसली यहाँ जंगल ही बन जाता है, बट इफ यू वांट टू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो. और अगर बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे देन श्योरली विल डू दैट. सो कम ऑन, विल शो हाउ बिग इट इज. तो बेसिकली हम लोग ये मैन वर्सेस वाइल्ड बन गया है ये वीडियो होम टूर से, तो डोंट माइंड. एंड दिस इज माय फ्रीकिंग ओल्ड हाउस. हम लोग अंदर नहीं जा सकते बिकॉज फिर हम लोग को कुछ जंतु काट लेगा. रोज को बहुत डर भी लग रहा है. इधर से आ सकती हूँ, अंधेरा आ रहा है. पीछे दिखा दो. सो यू कैन सी इट हाउ जंगल इज हियर. तो दिस प्लेस इज वेरी जंगल, बट दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस बिकॉज बहुत स्पेस है हमारे पास. इतना स्पेस है कि वी कैन यूटिलाइज इट, बट देन आई एम वेरी लेजी और मेरे पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है. तो बट वी आर प्लानिंग टू क्लीन दिस एरिया एंड देन यू सी लिट वीडियोज. सो लेट्स गो बैक टू आवर हाउस. सो ऑल ऑफ यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि मेरा वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि मैंने अपने वॉशरूम के बारे में बात ही नहीं किया, मैं भूल गई और मुझे अभी याद आया. सो दिस इज माय वॉशरूम डोर. सो बेसिकली आई कैन नॉट शो यू माय बाथरूम बिकॉज देर आर वेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स इन देयर, बट दैट्स माय बाथरूम डोर बिसाइड माय रूम. एंड यस दैट वाज इट फॉर द वीडियो. ओके आगे भी दिखा दे. लेट्स गो आगे से भी पीछे बैकयार्ड जाने का, फ्रंट यार्ड बैकयार्ड इज बोथ सेम, तो आगे से भी जाने का रास्ता है. सो लेट्स गो. सो दिस इज माय फ्रंट गेट. कम यहाँ पर से अभी हमने जस्ट दिखाया, अंदर जा सकती हूँ. हमने जस्ट दिखाया, हम वहाँ पे खड़े थे, है ना? हम वहाँ पे खड़े थे और अभी हम फ्रंट की तरफ से आए हैं. तो इट्स बेसिकली जुड़ा हुआ है, सो आई एम अ वेरी बिग प्लेस एंड अ वेरी स्केरी प्लेस टू बी ऑनेस्ट. गो इनसाइड. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट.
मेरा घर उतना ज्यादा मतलब उतने सारे सामान नहीं है मेरे घर में, सो आई डिडंट टॉक अबाउट सम स्टफ्स बिकॉज देर आर लाइक वेरी मिनिमम स्टफ इन माई हाउस जो कि पर्सनली मेरे लिए जो यूज में आ रहा वही है. देर इज नो अननेसेसरी स्टफ टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट माई बुक्स एंड माई मेकअप जो कि मैंने हल्के में बात कर लिया है. एंड दैट वॉज इट फॉर द वीडियो. मेरा घर, आई होप यू लाइक माई घर, मेरा छोटा सा घर. एंड प्लीज डोंट बी क्रिटिकल अबाउट इट बींग ओल्ड बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड विच इस पैंडेमिक में नहीं है बहुत लोगों के ऊपर. सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव गॉट. Yes, that was it for the video. I hope you guys like it. Please comment in the comment section below which part of the house you like the most. क्योंकि हम लोग को backyard पसंद है ना, क्योंकि I hope someday हम लोग उसको साफ करके आप लोगों को दिखा सकते हैं. Because हम लोग like अभी जैसे बरसात का मौसम है तो we are not cleaning it, but after this rainy season we'll transform our backyard and hope we can shoot it and you guys can see it and enjoy it. And that was it for the video. Bye bye, take care, peace.